एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं। दर्शाइए कि a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स a क्रॉस b। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। तो a माइनस बी वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर हम लोग मान लेते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर के योग पे जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमारा a क्रॉस b प्लस सी है तो ये हो जाता है a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। ये पहला पॉइंट इसका यूज करेंगे हम लोग। तो ये हमारा हो गया a माइनस बी क्रॉस a प्लस a माइनस बी क्रॉस b। अब राइट से भी डिस्ट्रीब्यूट होता है ये और लेफ्ट से भी, तो ये हमारा हो जाएगा a क्रॉस a माइनस b क्रॉस a प्लस ये हो जाएगा a क्रॉस b माइनस बी क्रॉस बी। क्योंकि ये जो पॉइंट हम लोगों ने देखा है, अगर आपका कहीं पे ऐसा कि बी प्लस सी क्रॉस ए है तो इसको लिख सकते हैं आप बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। लेफ्ट और राइट दोनों से डिस्ट्रीब्यूट होता है ये। बी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू, आर्डर नहीं बदलना चाहिए, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। तो ये हो गया। अब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जीरो होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में मॉड ए, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। तो थीटा जब जीरो डिग्री हो जाएगा तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो कहीं पर अगर उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसकी वैल्यू जीरो माइनस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी की जगह पे जीरो हो गया। तो ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी, इसको पहले लिख देते हैं माइनस बी क्रॉस ए। और एक पॉइंट हम लोगों को ये भी पता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस ए, यानी यानी जो बी क्रॉस ए है उसकी जगह पे हम लोग बी क्रॉस ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी माइनस माइनस बी क्रॉस, सॉरी बी क्रॉस ए की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। तो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्रॉस बी इक्वल टू आर एच एस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका क्रॉस प्रोडक्ट का। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस i प्लस लेमडा j प्लस म्यू के इक्वल टू 0। लेमडा और म्यू हमको ज्ञात करना है। हमारा गिवन क्या है 2i प्लस 6j प्लस 27 के एक वेक्टर ये है क्रॉस i प्लस लेमडा j प्लस म्यू के इक्वल टू है आपका 0 वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे i कैप j कैप k कैप। यहाँ पे i का गुणांक 2, j का 6, इसका 27, यहाँ पे i का गुणांक 1, यहाँ पे लेमडा j का गुणांक और यहाँ पे म्यू
दिस इक्वल टू जीरो, और इसको हम लोग जब ओपन करेंगे तो आई इंटू आई जिस रो और कॉलम में होगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ये होगा 6 इंटू म्यू माइनस 27 इंटू लेमडा, 6 इंटू म्यू माइनस 27 इंटू लेमडा, आई वाला खेल ख़त्म हो गया। फिर अगला टर्म जे वाला हमारा माइनस होता है, अब जे जिस रो कॉलम में होगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्या बचा हमारा 2 इंटू म्यू माइनस 27 इंटू 1 प्लस के कैप, अब के हमारा जिस रो कॉलम में होगा वो ख़त्म हो गया, ये होगा 2 इंटू लेमडा माइनस 6 इंटू 1, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। दिस इक्वल टू हमारा है जीरो वेक्टर, अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस j कैप 2 म्यू माइनस 27 प्लस k कैप 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब इधर भी एक वेक्टर लिखा है और इधर भी एक वेक्टर लिखा है, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पे जो आई जे के का गुणांक होगा और यहाँ पे जो आई जे के का गुणांक होगा दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये एक समीकरण है, समीकरण के दोनों पक्षों में आई कैप जे कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, क्योंकि दोनों अगर वेक्टर हैं दोनों के बीच में बराबर तुलना करने पर, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है तो जो आई का गुणांक राइट हैंड साइड में होना चाहिए वही आई का गुणांक इधर भी होना चाहिए, तो इधर जीरो वेक्टर है इसका मतलब आई जे और के तीनों का गुणांक जीरो है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इक्वल टू जीरो क्वेश्चन नंबर 1, एंड यहाँ पर 2 म्यू माइनस 27 और माइनस कर लेते हैं इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से आ गया 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू जीरो। तो 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमको पता चल गया लेमडा इक्वल टू 6/2 यानी लेमडा इक्वल टू 3, और ये 2 म्यू इक्वल टू 27, म्यू इक्वल टू हमारा आ गया 27/2 और लेमडा इक्वल टू आ गया 3, और लेमडा और म्यू ही हमको निकालना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन हमारा हो गया, हमारा लेमडा इक्वल टू आ गया 3 और म्यू इक्वल टू 27/2। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो और ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, सदिश ए तथा बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी अगर दो वेक्टर ए और बी ऐसे हैं कि ए डॉट बी जीरो है और ए क्रॉस बी भी जीरो है तो आप ए और बी के बारे में क्या कह सकते हैं, ये आपका पूछा है। तो जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिया है ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। तो ये दो स्टेटमेंट हमारा दिया है, एक हमारे पास क्या है कि ए डॉट बी जीरो है और ये भी है, यानी दोनों के बीच में और लगा है, मतलब कि दोनों हैं, दोनों साथ साथ हैं। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें, ये हमारा है ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी हमारा क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और जहाँ थीटा क्या है हमारा ए और बी के बीच का एंगल होता है, तो ए डॉट बी हमारा होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू है हमारा जीरो, ये एक समीकरण है। अब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा जीरो कब हो सकता है, ये इधर का लेफ्ट हैंड पार्ट, ये जीरो तब हो सकता है कि या तो हमारा क्या हो, ए का मॉडुलस जीरो हो या
बी का मॉडुलस अगर जीरो होगा यानी बी भी जीरो वेक्टर होगा तब भी जीरो हो जाएगा। ए जीरो हो या बी जीरो हो या कॉस थीटा जीरो हो, या हमारा क्या हो कॉस थीटा जीरो हो, तो इसका मतलब क्या हो गया दिस इक्वल टू जीरो मतलब मॉड ए इक्वल टू जीरो या मॉड वी इक्वल टू जीरो हो या थीटा हमारा क्या हो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है थीटा 90 हो यानी ए परपेंडिकुलर टू बी, ए परपेंडिकुलर बी का मतलब थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री, तभी कॉस 90 की वैल्यू जीरो होगी। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा है ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, इसका हम लोगों ने निकाल लिया कि ये तीन स्थितियों में जीरो हो सकता है, या तो ए जीरो वेक्टर हो या बी जीरो वेक्टर हो या ए और बी एक दूसरे पर लंब हो, इन तीनों भी स्थितियों में ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। सेकेंड स्थिति हम लोग देखते हैं जो दिया हमारा ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, ए क्रॉस बी हम लोग क्या लिखते हैं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप इक्वल टू जीरो। अब ये हमारा ये पार्ट हमारा जीरो कब हो सकता है, एन कैप तो ये हमारा जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा एकांक वेक्टर है, ये हमारा एन कैप जो है ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये एकांक वेक्टर है एकांक सदिश है, तो ये जीरो नहीं हो सकता, एकांक सदिश का परिमाण तो वन होता है। तो अब ये जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो ए इक्वल टू जीरो हो या बी इक्वल टू जीरो हो या साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो, तभी ये जीरो हो सकता है, एन कैप जीरो होगा नहीं तो पूरे को इक्वल टू जीरो होना है, तो अगर ए जीरो हो गया तब भी पूरा जीरो हो गया, बी जीरो हो गया तब भी पूरा जीरो होगा क्योंकि जीरो गुणे कुछ भी हो जीरो, साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तब भी पूरा जीरो हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो गया कि ये जीरो होगा जब ए बराबर जीरो हो या बी बराबर जीरो हो या थीटा हमारा क्या हो जीरो डिग्री हो, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, यानी अगर इसको और थोड़ा सही लिखें तो ए इक्वल टू जीरो हो या बी इक्वल टू जीरो हो या थीटा जीरो है इसका मतलब ए पैरेलल बी है, ए और बी समांतर हों। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट का लॉजिक यहाँ पे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला था ये, इसको हम लोग कंक्लूजन नंबर वन बोल देते हैं, निष्कर्ष एक, और इसको निष्कर्ष दो बोल देते हैं। अब हमारा है कि दोनों पॉइंट है ए डॉट बी भी जीरो है, यानी आपका पहला निष्कर्ष भी होना चाहिए सही और दूसरा निष्कर्ष भी होना चाहिए, आपको वही कंडीशन लेना है जब दोनों कंडीशन होल्ड करे, यानी ए डॉट बी भी जीरो हो और ए क्रॉस बी भी जीरो हो। अब देखिए ए डॉट बी जीरो है जब थीटा इक्वल टू 90 है, थीटा इक्वल टू 90 है तो ए डॉट बी जीरो होगा लेकिन ए क्रॉस बी जीरो नहीं होगा, तो थीटा इक्वल टू 90 खत्म हो गया, ये आप नहीं कह सकते थीटा 90 होगा क्योंकि थीटा जब 90 होगा तो केवल ए डॉट बी ही जीरो होगा, ए क्रॉस बी जीरो नहीं होगा, तो ये हमारा खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या बचा ए बराबर जीरो हो, यानी अगर वेक्टर हमारा ए जीरो होगा तो ए डॉट बी भी जीरो हो जाएगा और ए क्रॉस बी भी जीरो हो जाएगा। तो समीकरण एक तथा दो से आपको वो बिंदु उठाने हैं दोनों से कि दोनों के दोनों होल्ड करें, समीकरण एक तथा दो से ए बराबर जीरो यानी हमारा वेक्टर ए जो है जीरो होना चाहिए, या तो वेक्टर ए जीरो हो यानी वेक्टर ए का मॉडुलस जीरो हो या वेक्टर बी का मॉडुलस जीरो हो, यानी अब फाइनल कंक्लूजन कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो और ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ कि ए इक्वल टू जीरो मॉड ए इक्वल टू जीरो या मॉड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो और ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो मॉड ए इक्वल टू जीरो या मॉड बी इक्वल टू जीरो। तो सिंपल सा क्वेश्चन छः नंबर हम लोगों का हो गया, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों जीरो कब होंगे, या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो, दोनों वेक्टर में से एक वेक्टर आपका जीरो होना पड़ेगा तभी ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों जीरो होंगे। सेवन नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
मान लीजिए सदिश ए बी सी क्रमशः ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के और बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के और सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के रूप में दिए हैं, तब दर्शाइए कि ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अच्छा, जो हमारा जो तीनों वेक्टर दिए हैं पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं। ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप और बी इक्वल टू हमारा है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप और सी इक्वल टू हमारा होगा सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। ये हमारा दिया है और हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो देखिए इसमें दो पार्ट है, ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड पार्ट क्या कह रहा है कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकालो आप, बी प्लस सी के साथ, यानी आप पहले बी प्लस सी निकाल लो फिर ए क्रॉस बी प्लस सी निकालो। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, आप ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लो और ए क्रॉस सी वेक्टर निकाल लो और दोनों को जोड़ो तो ये दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, हम लोग ए क्रॉस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ए क्रॉस ए हमारा क्या है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, बी प्लस सी यानी बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप प्लस सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। अब हो गया हमारा ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप क्रॉस, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं तो आई वाला आई के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा बी वन प्लस सी वन आई प्लस बी टू प्लस सी टू जे प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री के। ये हमारा चल रहा है ए क्रॉस बी प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है ए क्रॉस बी प्लस सी। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई जे के और पहले वेक्टर का आई का गुणांक ए वन ए टू ए थ्री और दूसरे वेक्टर का आई जे का गुणांक, तो यहाँ पे है बी वन प्लस सी वन आई का गुणांक, बी टू प्लस सी टू हमारा जे का गुणांक और बी थ्री प्लस सी थ्री के का गुणांक। इसी जो है डिटर्मिनेंट को, सारणिक को हम लोग ओपन करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इक्वल टू आई इंटू, अब देखिए आई जिस रो कॉलम में है वो हमारा ख़त्म हो गया, ये और ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए टू इंटू बी थ्री प्लस सी थ्री माइनस बी टू प्लस सी टू इंटू ए थ्री। तो ये हमारा हो गया ए टू इंटू बी थ्री प्लस सी थ्री माइनस ए थ्री इंटू बी टू प्लस सी टू। ये हमारा आई वाला ख़त्म। अगला टर्म जो जे वाला होता है वो माइनस होता है, अब फिर जे वाले में हमारा जो ख़त्म जिस रो कॉलम में है क्या होगा, ए वन इंटू बी थ्री प्लस सी थ्री, ए वन इंटू बी थ्री प्लस सी थ्री माइनस ए थ्री इंटू बी वन प्लस सी वन, ए थ्री इंटू बी वन प्लस सी वन। ये हमारा ख़त्म, प्लस के कैप, के कैप के लिए हमारा ये रो जिसमें के है वो ख़त्म हो गया। अब ये हमारा क्या होगा, ए वन इंटू बी टू प्लस सी टू माइनस ए टू इंटू बी वन प्लस सी वन। ये हमारा हो गया ए वन इंटू बी टू प्लस सी टू माइनस ए टू इंटू बी वन प्लस सी वन।
तो ये हमारा ए क्रॉस बी प्लस सी, ये हमारा निकल गया आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक। तो हम लोग इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब राइट हैंड साइड हम लोग करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। अब राइट हैंड साइड हम लोग लेके चलें, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। राइट हैंड साइड हम लोग अब निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया और दोनों को हमको इक्वल सिद्ध करना है। राइट हैंड साइड है हमारा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग फिर वही डिटर्मिनेंट आई जे के, ए हमारा है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, तो इसके नीचे हो गया ए वन ए टू ए थ्री और बी है बी वन बी टू बी थ्री। अब इसको हम लोग जब ओपन करेंगे तो आई इंटू आई, तो ये हमारा ख़त्म, तो ये हो जाएगा ए टू बी थ्री, ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री। तो आई इंटू हमारा हो गया ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस जे कैप, जे वाला टर्म माइनस होता है, अब जे वाला ये ख़त्म हो गया हमारा जे, तो ये जब ख़त्म हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा ए वन बी थ्री, तो यहाँ होगा ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री, ये हो गया प्लस के कैप, के में हमारा ये ख़त्म और ये ख़त्म हो गया, तो क्या होगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस सी इक्वल टू फिर यही काम आई जे के, ए के आई का गुणांक ए वन, जे का ए टू, के का ए थ्री, सी का सी वन सी टू सी थ्री। सारणिक को हम लोग ओपन करें, आई इंटू आई वाला ख़त्म हो गया ये, तो क्या बचा आपका ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू, ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू माइनस जे, जे वाला माइनस होता है, जे ख़त्म हो गया जे जिसमें है, तो क्या होगा ए वन सी थ्री, ए वन सी थ्री, ए वन सी थ्री माइनस ए थ्री सी वन प्लस के कैप, के वाला भी ख़त्म हो गया ये क्या होगा ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन प्लस के कैप ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन। अब हमारा ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी पता चल गया। अब हम लोग आर एच एस निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। आर एच एस इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, दिस इक्वल टू ये हम लोग लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी हमारा क्या है, आई इंटू ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस जे कैप ए वन बी थ्री, ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री प्लस के कैप ए वन बी टू, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ये हमारा ए क्रॉस बी था और ए क्रॉस सी नीचे लिखा है आई
a2c3 माइनस a3c2 माइनस जे कैप, ये हमारा हो जाएगा a1c3 माइनस a3c1 प्लस के कैप a1c2 माइनस a2c1। अब दोनों को जोड़ना है तो हमारा आई वाला आई के साथ जुड़ जाएगा, तो आई कैप वाला हमारा क्या है a2b3 माइनस a3b2, ये हमारा आई का यहाँ पे है a2 और यहाँ पे आई, प्लस हमारा ये हो जाएगा, चलिए इसको प्लस a2c3 माइनस a3c2 माइनस जे कैप हम लोग कॉमन करेंगे, तो जे कैप का गुणांक यहाँ पे है a1b3 माइनस b1a3 और यहाँ पे चूंकि माइनस हम लोग पहले कॉमन कर चुके हैं, तो ये हमारा होगा प्लस a1c3 माइनस a3c1 प्लस के कैप यहाँ पे हम लोग लिख लें a1b2 माइनस a2b1 प्लस a1c2 माइनस a2c1। अब हम लोगों ने जो निकाला था पहले a क्रॉस b प्लस सी, ये देखिए क्या है a क्रॉस b प्लस सी जो हम लोगों ने निकाला था, I का गुणांक क्या आ रहा था a2b3 प्लस a2c3, तो यहाँ पे हम लोग जो ये निकाले हैं I का गुणांक, हम लोग क्या करते हैं यहाँ से a2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया a2 कॉमन करेंगे दोनों से, तो b3 प्लस c3 और माइनस इन दोनों टर्म से a3 कॉमन कर लें, तो ये हमारा हो जाएगा b2 प्लस c2, ये हमारा I वाला टर्म हो गया माइनस जे, जे यहाँ पे देखिए a1 यहाँ से कॉमन होगा, a1b3 से और a1c3 से a1 कॉमन करिए, तो आपका हो जाएगा a1b3 प्लस c3, फिर माइनस b1a3 और c1a3 से हम लोग a3 कॉमन कर लें, माइनस a3 कॉमन कर लें, तो हमारा हो जाएगा b1 प्लस c1। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई कठिन नहीं है, प्लस के कैप, अब के कैप वाले टर्म में देखिए हमारा ये है a1b2, ये है a1c2, तो इन दोनों से हम लोग a1 कॉमन करेंगे, तो a1 कॉमन करेंगे तो b2 प्लस c2 हो गया, माइनस a2b1 और a2c1 से a2 कॉमन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा b1 प्लस c1। तो देखिए हम लोगों का जो ये आया है a2 into b3 plus c3 minus a3 b2 plus c2 माइनस जे कैप a1 b3 plus c3 minus a3 b1 plus c1 प्लस के कैप a1 into b2 plus c2 minus a2 into b1 plus c1। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, यानी हमारा अगर आपका ए क्रॉस, तो ये एक हिसाब से हम लोगों ने इस फार्मूले का ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो सिंपल सा प्रूविंग है, कोई बड़ा बात नहीं है, ये हम लोगों ने देख लिया।